नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने जब आलोक इंडस्ट्रीज़ पे वीडियो बनाया था तो उसमें हमने चर्चा किया था कि 19 जुलाई को आलोक इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आने वाला है, उसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा, हम उस पर चर्चा किए थे। लेकिन उस वीडियो में बहुत से लोगों ने डिफरेंट कमेंट्स किए हैं और उसके बाद दोस्तों आज जो हम दो बातें शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न, मतलब जो भी शेयर होल्डर हैं वो दो भागों में बढ़ गए हैं, एक का ये सोचना है, एक का वो सोचना है। तो आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या ये बातें भी सच हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम का नया चैनल भी स्टार्ट किया है मार्केट विद्यालय के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट से लेकर इंट्राडे टिप्स, उसके अलावा शेयर मार्केट से आपको लेटेस्ट अपडेट भी वहाँ आपको मिल जाया करेगा। दोस्तों, 19 जुलाई आलोक इंडस्ट्रीज़ का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ कईयों का मानना है कि प्रॉफिट होगा, कईयों का मानना है लॉस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी यहाँ जो शेयर होल्डर हैं उसमें भी दो भागों में बढ़ गए हैं। जैसे कि मेरे में जो पिछला वीडियो और उसके ओल्ड वीडियोस में भी कमेंट्स आ रहा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिस्कस किया जाए। दोस्तों, जो पहला तबका है, जो पहले भाग वाले हैं, जो इस साइड है, मतलब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि हो सकता है हमें इस क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिले। अब वहाँ पर बहुत से लोगों का भर भर ये कमेंट्स आ रहा है कि सर, अगर अभी पहला क्वार्टर में हमें अप्रैल में यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, देश के बहुत से भाग में यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट हो सकता है। जो मुझे ये कमेंट्स करके पूछा, उनका भी कहना बिल्कुल सही है कि जब लॉकडाउन लगा था तो आलोक इंडस्ट्रीज़ को कैसे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको यह बताना चाहूँगा कि जिनको भी ये क्वेरी है कि देखो, लॉकडाउन लगा था ये सबके लिए लगा था, किसी एक कंपनी के लिए नहीं लगा था। और जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था और इस साल का जो लॉकडाउन लगा था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले साल यहाँ पे टोटल लॉकडाउन लगा था, मतलब ना ही इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, ना ही कुछ खुलेगा, आप घर में ही बंद रहेंगे। लेकिन इस साल का लॉकडाउन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा यहाँ ढील दिया गया था, मतलब इस साल टोटल लॉकडाउन नहीं लगा था, सिर्फ कुछ कुछ जगह में ही टोटल लॉकडाउन लगा था। उसके अलावा हमें जहाँ भी लॉकडाउन लगा था वहाँ पे सिर्फ टाइम रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, पहला चीज़ ये। और दूसरा चीज़, लॉकडाउन लगने के बावजूद भी बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पे अपना जो रिजल्ट्स है, Q1 का रिजल्ट है, वो प्रॉफिट में दे रही है। एक चीज़ भी ध्यान दीजिए, अगर हम किसी का डिसएडवांटेज खोजते हैं तो उसका एडवांटेज भी रहता है। तो यही है कि और भी आलोक इंडस्ट्रीज़ के अलावा दूसरी कंपनियां भी हैं जो भी लॉकडाउन का सामना दोनों भी किया, आखिर उन लोगों ने भी अपने आप को दो तीन क्वार्टर के बाद पॉजिटिव में लाया है। तो मेरा भी ये अनुमान है कि जो लॉकडाउन आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी था, अलग से नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर में आलोक इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट पिछले क्वार्टर से बेहतर रह सकता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट इस मतलब Q1 का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही आए। ठीक, ये हो गया था शेयर होल्डर के इस साइड के पार्ट। अब एक चीज़ यहाँ पे और दिलचस्प चीज़ यहाँ पे सुनने को और मिल रहा है, जिसमें से आप लोगों ने यहाँ मुझे कमेंट्स भी किया है। अब मैं कुछ लोगों से मिला, उनसे बात किया, तो उनका भी यही सेम थिंकिंग है। अब शेयर मार्केट में चीज़ होता है नहीं होता है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, बड़ा दिलचस्प चीज़ यहाँ पे मुझे शेयर होल्डर से या फिर जो आप सब्सक्राइबर हैं उनसे भी सुनने का मिल रहा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,000 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके बाद 4,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर दो क्वार्टर में लगातार लॉस हुआ था। तो कई लोगों का ये मानना है कि जानबूझ के आलोक इंडस्ट्रीज़ पिछले दो क्वार्टर में हमें लॉस देखने को मिला, ताकि अगले साल के पहले क्वार्टर यानी 2022 के जो पहला क्वार्टर जो अभी चल रहा है, 2021-2022 के जो पहला क्वार्टर जो अभी जून वाला क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा, तो वहाँ पर मुझे ये कहा जा रहा है कि मतलब कमेंट्स में कहा जा रहा है, बहुत से लोगों से मुलाकात ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के पिछले दो क्वार्टर में उन्हें लॉस शो कराया गया है, ताकि नया साल का नया शुरुआत के साथ यहाँ पे पॉजिटिव नोट साथ किया जाए। तो दोस्तों, ये बात कितना सही है मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। हाँ दोस्तों, एक चीज़
मार्केट में कई कंपनियों में ऐसा होता भी है कि मैनिपुलेट, जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेट किया भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस कम मतलब यहाँ मैनिपुलेट किया गया हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी कंपनी को एक साल में 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो कंपनी चाहती है कि उसका मतलब वो कंपनी के मन में ये रहता है कि क्यों ना इसका प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर दिया जाए और हमें यहाँ लॉस दिखाया जाए और हमें अगले में प्रॉफिट दिखाया जाए। ऐसा कुछ कुछ केसेस में होता है, जैसे कि हमने पिछले कई मतलब कुछ कुछ कंपनी के बारे में सुना है। उसके अलावा जैसे कि आपको ऐसा तो होता है, लेकिन छोटा सा 1-2 लाख माफ कीजिए 1-2 करोड़ मतलब 1-2 करोड़ ऐसा छोटा छोटा अमाउंट ऊपर नीचे एडजस्टेबल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्य मल्ला उसमें बात मतलब यहाँ पे आपको दिखाया कि सत्यम में तो इतना 1000 करोड़ का मैनिपुलेट किया था, हमें ऐसा कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा था, ऐसा नहीं होता। 1-2 करोड़ ऐसा ऊपर नीचे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आप मुझे ये कमेंट्स करके बताइए कि सेकंड वाला चीज़ हो सकता है। मेरा मानना है ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बहुत से शेयर होल्डर के में उन अभी मतलब जो भी डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत से शेयर होल्डर के मन में, सब्सक्राइबर के मन में ये चीज़ भी है जो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अब रहा बात इसके रिजल्ट्स के, तो दोस्तों देखिए पिछले 2 क्वार्टर से हम इसका सेल्स इंक्रीज़ होने को देखा है, पिछले 2-3 क्वार्टर से इसका सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और उस लिहाज से देखा जाए तो हमें इस क्वार्टर में प्रॉफिट होने का पूरी पूरी संभावना है। और रहा बात लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन के कारण कई कंपनियों को कुछ दिन का बंद भी झेलना पड़ा था, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुछ दिन के कारण यहाँ इस क्वार्टर में आलोक इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा कि ये शेयर मार्केट है, ये कंपनी का उनका इंटरनल मामला है, लॉस भी हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पे एजुम्सन कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बातें रख रहे हैं कि मैंने कहा दिया कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आपको ये नहीं मानना है कि 1 लाख का प्रॉफिट होगा, आपको अपना भी एनालाइज करना है। और रहे के सर बात आलोक इंडस्ट्रीज़ के, वो तो 19 तारीख को शाम तक तो पता चल ही जाएगा कि यह कंपनी कितने पानी में है, इस कंपनी को कितना तैरना आता है। तो हमें 19 जुलाई शाम तक का वेट करना पड़ेगा कि जब कि आलोक इंडस्ट्रीज़ अपना क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से देती है।